सो हेलो एवरीवन। तो गाइस आज की वीडियो में मैं करने जा रहा हूँ बहुत बड़ा हाइस्ट, और वो हाइस्ट होगा एक गॉड आर्मर का, जो कि एक ही गेमिंग का है। उसने बहुत में से गॉड आर्मर बनाया, उसमें लगभग सारे इंचैंटमेंट्स किए हुए हैं। अगर वो आर्मर मेरे जैसे भी करके हाथ लग गया तो मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल आर्मर मेरे हाथ लग गया तो मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल हो जाऊँगा और उससे हमेशा ऊपर रहूँगा। तो गाइस वो आर्मर उसका घर में है, जो कि उसका बहुत बड़ा सा एक फार्म हाउस है, वो वहीं पर कहीं पर छुपा हुआ है, लेकिन वो मुझे ढूंढना पड़ेगा कि वो कहाँ पे है। तो गाइस ये मेरा भी सीक्रेट रखा हुआ है, यहाँ पे कंप्यूटर वगैरह है, सब मेरा सेटअप यहीं पर है। एके गेमिंग हेलो कह रहे हैं, पता करने जा रहा हूँ। गाइस ये देखो मेरे पास सारा सामान भी है मेरा, जो भी मुझे काम आएगा हाइस्ट को अंजाम देने पर। और मैंने काफ़ी सारे सीक्रेट रास्ते भी बनाए हुए हैं जिससे कि मैं उन तक पहुंच सकूं। तो गाइस यही है आज का वीडियो का टॉपिक। तो अभी जल्दी से जल्दी हाइस्ट की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मुझे सामान वगैरह लेना चाहिए, जो भी मेरे को चाहिए। तो गाइस सबसे पहले मुझे चाहिए होंगे ये बेडरॉक ब्लॉक्स ब्लॉकेज के लिए, और फिर ये वाटर बकेट भी चाहिए होगा, और एक फ्लिंट एंड स्टील, और ये काउ वेब्स जो मुझे काम आ ही जाएंगे कहीं कुछ ना कहीं, कहीं पर तो काम आएंगे मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी ये सब पिकैक्स वगैरह तो आएंगे ही, भी लेता हूँ। फिर कुछ पोशंस भी हैं, इतने सारे अभी नहीं लेते, अभी कुछ कुछ ही लेते हैं। हाँ ये हो गया, ये स्लोनेस का हो गया, पॉइजन का, ठीक है, इतने पोशंस काफ़ी रहेंगे। और थोड़ा सा और ब्लॉक ले लेते हैं, और खाना वगैरह भी ले लेते हैं, इंचांटेड एप्पल्स हाइस्ट को अंजाम देने के लिए। और मैं खुद के लिए भी कुछ कुछ पोर्शंस रखा हूँ, जैसे इनविजिबिलिटी हो गया, नाइट विजन, तो ये सब भी अभी भी ले ही लेते हैं। बाकी हाँ ये मुझे काफ़ी काम आएंगे, ये सबको भी ले लेता हूँ अभी मैं, एग्स को, ये एग मुझे काफ़ी काम आएंगे चकमा देने पर एक ही गेमिंग भाई को। पंद्रह पंद्रह ले लेते हैं, एंडरमैन मेरा फेवरेट है तो उसको मैंने 20 ले लिया है। कंपास भी ले लेते हैं एक, और कुछ लाइट्स वगैरह, और ये भी हाँ, और एरो भी ले लेते हैं एक सेकेंड, मेरे पास बो, हाँ बो है, चलो। तो गाइस अभी पूरा तैयारी हो गया, मतलब पूरा नहीं, लगभग हो ही गया है। आर्मर भी है ही मेरे पास। अच्छा गाइज मैंने हाइस्ट के लिए एक यूनिफॉर्म भी तैयार किया है, वो भी आप देख लो एक बार। तो गाइज ये मेरा यूनिफॉर्म है इस हाइस्ट को अंजाम देने के लिए, ये मेरा यूनिफॉर्म है। और गाइज ये थोड़ा मनी हाइस्ट जैसा लग रहा है, तो हाँ ये वैसा ही है, मनी हाइस्ट का यूनिफॉर्म लोग का, मेरा भी कुछ वैसे ही यूनिफॉर्म है पूरा, मतलब वैसे ही हाइस्ट करना है एकदम अच्छा से, और वो गॉड आर्मर मेरे को लेके ही रहना है। तो चलो फिर अब हाइस्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे छुपकर अपने बेस से निकलना होगा, ये मेरा बेस एकदम टॉप सीक्रेट है, एक ही गेमिंग को पता नहीं इसका रास्ता कहाँ है, तो एकदम छुपकर मुझे निकलना होगा। तो गाइस अभी मैं निकलता हूँ यहाँ से। ये एकदम टॉप सीक्रेट रास्ता है, उससे भी नहीं पता है। तो अभी इस रास्ते का बहुत भी अलग अलग जुड़ा हुआ है रास्ता सब, तो अभी मैं एकदम वहाँ से आगे से निकलता हूँ। ओ थोड़ा दिक्कत आ रहा है गाइस, ओके। तो एकदम क्राउच हो गया, एकदम शांति से चलना होगा।
तो गाइज अभी मैं बेस से तो बाहर आ चुका हूँ सक्सेसफुली। तो ये रहा वो बिल्डिंग जहाँ पर है हमारा वो कीमती सा आर्मर। थोड़ा खा लेता हूँ खाना। तो गाइज यही है वो जगह, तो मैं डायरेक्ट सामने से नहीं आ सकता। तो गाइज मैं अभी बहुत दूर आ चुका हूँ क्योंकि एके गेमिंग वहीं आ गया था और उससे छुप के मेरे को भागना पड़ा। तो गाइज वहाँ पर एके गेमिंग अभी अंदर घुस चुका है अपने घर पर, तो मेरे पर हाइस्ट करना है। तो मैंने एक और सुरंग बनाया था भागने के लिए और अभी वहाँ पर घुसने के लिए भी। तो चलो गाइज वहीं पर चलते हैं जो मेरा सीक्रेट सुरंग है। मुझे भी याद नहीं है वो कहाँ पर था, मैंने बहुत पहले बनवाया था उसे। तो गाइज मुझे एक सीक्रेट रास्ता याद आ गया वो कहाँ पर था। तो गाइज मैं एक ट्रैप में फंस चुका हूँ। गाइज मेरा रास्ता में एके गेमिंग ने कुछ ट्रैप लगा दिया था और गाइज एके गेमिंग यहीं पर है। ओ शिट 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 शिट, भागो 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 भागो, हाइस्ट प्लानिंग खराब हो गई है, प्लानिंग पूरी बर्बाद हो चुकी है गाइज। अब मेरे पास एक ही रास्ता कि भागो और कुछ नहीं। गाइज मैं यहाँ से भूल गया मैं आ चुका हूँ। तो गाइज मेरा रास्ता, ओ एक स्केलेटन आ चुका है यहाँ पर। ठीक हाँ, तो गाइज ये मुझे रास्ता मिल चुका है, यहीं पे है मेरा सीक्रेट रास्ता जो है वो यही है। ओके तो चलो चलते हैं फिर। गाइज यहाँ एक ही गेमिंग मेरे को पकड़ चुका है, अभी मेरे को भागना पड़ेगा उसको चकमा उकमा दे के आराम से। ये मैं कैसे भाग रहा हूँ, ओ भाई ये लो भाई ये मुझे, ओ भाई ओ भाई, भाई। ओ एक ही गेमिंग गए आखिरकार। तो गाइज अभी मेरा की ओर मेरे ट्रैप्स उनको नहीं बचा पाए। इसको कंटिन्यू रखते हैं, अभी भी सब बिगड़ा नहीं है, अभी भी हो सकता है। तो गाइज अभी एक ही गेमिंग से मैं बच चुका हूँ, तो अब मेरे को जल्दी से भाग के डायरेक्ट जो आगे का एंट्री है उसी से हाइस्ट करना पड़ेगा। मेरे को थोड़ा वो होना पड़ेगा वायलेंट, तो अभी मैं जल्दी से जाता हूँ। बहुत हो गया मेरा सारा, रास्ते अभी खराब हो चुके हैं, तो यार अभी मेरे को डायरेक्ट जाके हाइस्ट करना पड़ेगा। गेट कहाँ है, मेन गेट कहाँ है इसका घर का। ओके तो ये रहा, यहाँ से भी मैंने एक रास्ता बना दिया ना, तो वो नहीं मिल रहा है। चलो गाइस चलते हैं। तो गाइज यही है वो जगह जहाँ पे वो आर्मर रखा हुआ, यहाँ पे इसने पूरा मैप भी बना के रखा हुआ, लगता है वो हम सब पर नज़र रखता था। एके गेमिंग काफ़ी चालाक है वो, और उसने मेरे ऊपर ट्रैप भी बिछाया था, लेकिन मैं उससे भी ज़्यादा चालाक हूँ, मैंने उसको चकमा दे चुका है। तो गाइज यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें हैं, मुझे थोड़ा एग्जामिन करना पड़ेगा कि कहाँ पर हो सकता है वो गॉड आर्मर। यहाँ पर नीदर पोर्टल है, मेरे को लगता है नीदर पोर्टल में कुछ होगा। एक काम करते हैं, इस बार इसका घर का अंदर चेकआउट कर लेते हैं। क्रीपर छोड़ दूंगा, चुप हो जाओ। मैं क्रीपर, तो गाइस प्लान में एक बार फेल हो चुका है, बट हम फिर से कोशिश करेंगे। गाइज मैं काफ़ी मेहनत करके मैं ढूंढ लिया हूँ आखिरकार अपना शहर। एक ही गेमिंग ने अच्छा नहीं किया, उसने मुझे मारकर मेरा ये नहीं कि मारने वाने का भी हो सकता है। ओ भाई एक ही गेमिंग वहाँ भाग के गया, तो जब तक वहाँ से जा रहा तब तक मैं सारा उसका सामान चोरी कर लेता हूँ, यही मेरा रहेगा उसके लिए। अच्छा वो वहाँ से चल गया, मुझे चोरी करने में और आसानी होगी, लगता है वो मुझे ढूंढने गया। बाल बाल बचा। तो गाइज मैं आ चुका हूँ अब उसके घर पे वापस, और मैं अपने सारे सामान को भी वापस खरीद ले लूँगा। मेरे को स्केलेटन की आवाज़ आ रही है, उस शिट स्केलेटन भी है। मेरा सारा सामान गायब हो गया है, ये उसकी चाल थी, यहाँ पे स्केलेटन भरे हुए और मेरा सारा सामान गायब हो चुका है। शिट
गाइस बहुत खराब आदत हो चुका है मेरे। ये क्या है? ओ भाई, ये वही सीक्रेट बेस है जहां पर वो रखा गया है। तो गाइस मुझे वो जगह मिल गया है जहां पर उसने रखा है वो कीमती सा गॉड आर्मर, बट यहाँ पे जाने के लिए मुझे बहुत सारे स्केलेटन का सामना करना पड़ेगा और मेरा सारा भागो। अब मुझे भाग के जल्दी से जाना पड़ेगा अपने सीक्रेट बेस में, अगर सीक्रेट मैं ये बाजी जीत जाऊंगा। तो अब जल्द से जल्द मुझे सीक्रेट बेस जाना पड़ेगा, जल्द से जल्द। उसके पास एक बो और एरो भी है, मेरे पास मेरा खाना भी खत्म हो चुका है। ओ अभी नहीं आ रहा, कहाँ गया? चलो अच्छा, जब तक वो नहीं आ तब तक मैं भागता हूँ, यहाँ पर छुप जाता हूँ। गाइस वो यहीं पर है, तो गाइस वो यहीं आ चुका है। मैं एकदम चुप से हूँ, मेरे को एकदम भी आवाज नहीं करना होगा, उसे पता चल जाएगा। मैं क्राउच हुआ हूँ जिससे उससे मेरे को नेम टैग भी नहीं देख पाएगा वो मेरा। गाइस वो यहीं पर है। ओ शिट, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई। तो गाइस वो अभी यहीं पे चेक कर रहा है, ये उसी का गेस्ट हाउस है, मैं उसी के गेस्ट हाउस पर छुपा हूँ। मेरा भी हेल्थ भी कम हो रहा है, खाना फूड चाहिए होगा अभी। गाइस बहुत डर लग रहा है। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, भाई एकदम अभी वो बाहर गया है तुरंत। ओ क्यों गाइस, मैं बाल बाल बच गया हूँ। ये हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ओके तो एक एक मिनट थोड़ा दूर जा चुका है, अब मैं जल्दी से निकलता हूँ यहाँ से, वापस जाना होगा मुझे। एकदम शांति से, एकदम भी आवाज़ नहीं करनी होगी। ओके तो मैं पहुँच चुका हूँ अपने सीक्रेट बेस में। फिर से जो मैंने सामान छोड़ा था वो उन्हें भी ले लेता हूँ, मुझे उन स्केलेटन्स का सामना करना पड़ेगा। तो गाइस आर्मर लेना बहुत ज़रूरी है। आर्मर आ गया है, ये सारे के सारे पोशंस पीना होगा। और सबसे ज़रूरी ये चीज़, काउवेब भी बहुत काम की चीज़ें हैं। और खाना और एक ये। ओके तो गाइस मैं पूरा रेडी हो चुका हूँ, जल्दी से पहले सारे पोर्शन पी लिया जाए। ठीक है ओके, तो गाइस मैंने सारे पोर्शन पी लिया है, अब खाना भी खा लेता हूँ और आराम से अब रेडी होते हैं फाइट के लिए। इसी दिन हेलो अभी भी कर रहा है, मुझे पता है वो उसकी चाल है, वो अब शायद दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा, मगर मैं दोस्ती नहीं करूँगा। मुझे अब उसको गॉड आर्मर चुराना ही होगा। मेरे पास सारा का सारा तैयारी हो चुका है, अब चलते हैं फाइट पर। ओ शिट, एक गेमिंग ने मुझे दिया। मुझे निकलना होगा, मुझे एकदम जोरों शोरों से निकलना होगा। ओ शिट, ऊपर बंद हो गया, ऊपर बेडरॉक लगा हुआ है यार। एके भाई स्लोनेस, शिट मैं ही स्लो हो गया हूँ, सॉरी 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 एके भाई साहब। ओ गाइस पूरा गड़बड़ी हो गया गाइस, क्यों क्यों
ऐसा बहुत चाक है गाइस। अभी भी बट वैसा नहीं मेरे पास चलो मैं हो चुका हूँ मैं और गॉड आर अगर नहीं आ पाएगा तो गाइज मैं अभी जल्दी से जल्दी वहाँ पर जाकर मुझे वो चुराना ही होगा वो आर जगह। चलते हैं ओ शिट एक ही गेमिंग ऊपर है ओ भाई यहाँ पर सारे स्केलेटन्स को मार दिया गया है। अरे क्या हो रहा है नहीं मुझे लेना है मुझे लेने दो ओ गाइस ओ हो आधा सामान आ गया तो गाइस मेरे को आधा सामान मिल गया है गाइस अभी बहुत सारा स्केलेटन को स्पॉन कर चुका मेरे को जल्दी से जल्द वो आर्मर को लेना पड़ेगा भाई उस चीज इसका स्पीड गायब हो गया मेरे को अच्छा हेलमेट मिला ओ भाई हेलमेट अच्छा मेरे पास है आर्मर तो गाइस आखिरकार मैं सक्सेस हो गया हूँ मैं अपने प्लान में अब जल्दी से मेरे को ओके तो गाइस मैंने मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया मेरे को जल्दी से जल्द अपना सीक्रेट बेस में जाना ही होगा मेरे को रास्ता ही मिल गया भागने का तो जल्द से जल्द भी ओ भाई एक ही गेमिंग भी आ रहा है जल्दी से जल्द भागना पड़ेगा बहुत जल्दी भागना पड़ेगा गाइस आखिरकार मैं अपने हाइस्ट पे सक्सेसफुल हो गया जल्दी उसको पता नहीं मैं अच्छा वाटर ब्रीथिंग है मेरे पास चलो गाइस अब चलते हैं ओके तो ये रहा मेरा घर का रास्ता ओके तो भाई जल्दी जल्दी चलते हैं अब आराम से लगता है वो उससे मेरा पीछा छूट चुका है अभी ओ भाई सोच रहे हो भाई मेरा सीक्रेट बेस का रास्ता उसी का गेस्ट हाउस से होकर जाता उसे पता भी नहीं चला कभी ओ भाई चलो चलते हैं अब यहीं से अपना रास्ता आखिरकार भाई हो गया अब मैं इस वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पावरफुल बंदा बन चुका हूँ क्योंकि मेरे पास आ चुका है गॉड आर्मर हंगर बढ़ गया इतना काफ़ी ओके तो मैं आ चुका हूँ अपने सीक्रेट बेस पर तो जल्दी जल्दी चेस्ट पे रख देते दे सामान चलो ये रहा चेस्ट प्लेट ये रहा एक सेकंड चेस्ट खोलने का आवाज कहाँ से आ रहा ओ भाई एक एक ओ भाई एक ही यहाँ आ चुका है अरे भाई इसको मेरे से पहले से कैसे पता चल गया मेरे सीट बेल्ट का रास्ता सॉरी सॉरी ले 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 सामान ले सामान ले लो कोई दिक्कत नहीं है भाई कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ ओ शिट मेरे को बच के भागना पड़ेगा अब मेरे को आर्मर पहनना पड़ेगा मैं जा रहा हूँ आर्मर पहनने एक सेकंड मैं इसको मारूं मेरा ही लाइफ कम हो रहा है ओ भाई अब मेरे को जल्दी से आर्मर पहनना पड़ेगा अपना
गॉड आर्बर, फिर मैं इसको छोड़ूंगा नहीं भाई। ये रहा चेस्ट प्लेट वगैरह सब पहन लेते हैं। ओके अब मैं कंप्लीट कर चुका हूँ अपना गॉड आर्मर। यू गॉड स्कैम, इट्स नॉट रियल। ये रियल नहीं है क्यों? इसमें तो बस खाली ये गॉड आर्मर नहीं है, इसमें बस खाली एक एक इंचेंटमेंट ही लगा हुआ है यार। शिट भाई, मतलब अभी तक से गॉड आर्मर आया ही नहीं है इसके पास। ये चेक कर रहा था कि कोई चोरी तो नहीं करेगा, उसको पता चल गया कि मैं चोरी कर सकता हूँ गॉड आर्मर, तो अभी और सिक्योरिटी में रखेगा। हो भाई सही है, सही किया भाई आपने तो, जो कह रहा मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ओ भाई नहीं बचेगा अभी, कोई बात नहीं, जब ये अगला बार जहाँ भी ये गॉड आर्मर आएगा मैं उसको ले कर रहूँगा, फिर से हाइस्ट करूँगा। अरे शिट मेरा हेल्थ बहुत कम हो रहा है, भागना पड़ेगा भागना पड़ेगा। ओ भाई और शिट, एक बार और हार गया। तो गाइस कहीं आप देख सकते हैं, तो गाइस एक ही गेमिंग ने मुझे एक और बार डिफीट कर दिया, उसने मेरा प्लान को समझा, वो मेरा सीक्रेट बेस तक घुस गया। तो गाइस मानना पड़ेगा काफ़ी तगड़ा भाई प्लानिंग किया था आपने भी, बट कुछ नहीं अभी तक से भाई सब बिगड़ा नहीं है। अभी जो असली जो गोल्ड आने वाला है उसका भी एक हाइस्ट होगा यही यूनिफॉर्म पर। तो गाइस फिर से यही जगह पर यही यूनिफॉर्म पर फिर से हाइस्ट किया जाएगा, बट अब मुझे थोड़ा बच कर आना पड़ेगा क्योंकि हमारे वर्ल्ड में एक कोड भी बनने वाला है, यहाँ का भी कानून होगा, यहाँ का भी रूल्स रेगुलेशन होगा, तो वो सबसे मेरे को बचना पड़ेगा। अगला बार मेरे को बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हाइस्ट मिलेगा, बट वो ज़रूर करेंगे। तो गाइस ये सीरीज़ का एपिसोड 2 हाइस्ट मैं करने वाला हूँ। तो गाइस अगर आपको देखना है तो गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस ये वीडियो को भी लाइक कर देना। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।